हेलो दोस्तों, पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ग्रो ऐप। यस दोस्तों, ग्रो ऐप जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आसानी से फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज, कमोडिटीज, बैंक में एफडीज, इतना ही नहीं बाहर के मार्केट में, मतलब यूएस मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसमें आप निवेश कर सकते हो। यस दोस्तों, जो आप सुन रहे हो ये सच में पॉसिबल है। ग्रो ऐप में ये सारी फैसिलिटीज है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रो एप्लीकेशन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ग्रो ऐप जो है इसमें सारी फैसिलिटीज दी गई है, जैसे कि स्टॉक्स जो है ये स्टॉक्स में भी आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप है यह डाउनलोड करना है और इसमें आपको अकाउंट ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन कैसे करें, इसमें इसकी प्रोसीजर भी है, इसकी ऊपर वीडियोज अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक मैंने मेंशन की है, वहां से ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे ओपन करना है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रो ऐप को कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। जब आप अकाउंट लॉग इन करेंगे आपका, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ये दिखेगा, जिसमें आपको इंडेक्सेस दिखाएंगे निफ्टी और सेंसेक्स, और इसमें स्टॉक्स में कुछ न्यूज आ रही है क्या, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है इंटरफेस में। आने वाले अपकमिंग आईपीओ आप चेक कर सकते हो, टॉप गेनर्स जो है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक एक मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैसे कैसे ऐड करें वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आता है दोस्तों। ये ऐड मनी के ऑप्शन में शुरू में ही ये आपको आपके फंड्स अवेलेबल है कितने अवेलेबल है वो आपको बताता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बट ऑब्वियस फंड आपको ग्रो ऐप में ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो वहां पे जो बैंक अपने मैप क्लाइंट ओपन करते सब अकाउंट ओपन करते समय केवाईसी में दिया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे आता है। तो यहाँ पे आपको बॉटम में आपका जो अकाउंट है उसके लास्ट 4 डिजिट के साथ नेट बैंकिंग के साथ आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आपको अदर्स ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो भी जो अवेलेबल जो अदर ऑप्शन है आपको दिखेगी, जिससे यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मोर ऑप्शन मतलब मैंने खाली नेट बैंकिंग अभी फिलहाल यूज किया है, नेट बैंकिंग ही इसमें आएगा। और यहाँ पे अगर आपको फंड विड्रॉ करना है तो यहाँ पे विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया हो गया है, आपके फंड की डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे फंड की जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रही है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये मतलब अगर आपका जो डेटा है जो आपने मतलब यहाँ पे पूरा सेव होता है, राइट, विड्रॉल अगर आपने लिया है तो कौन से बैंक में विड्रॉल जाएगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जो आपका मैपिंग अकाउंट होता है वहां से ही आपका फंड ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर 100 रुपया मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे मैं गया और देखिए यहाँ पे मेरे को तीनों ऑप्शन में दिखाई दिए दोस्तों, जिसमें है UPI है, नेट बैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग तरीके से मैं पैसे जमा कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा UPI ID पूछा जाएगा, जैसे एक्सिस बैंक का मेरा UPI ID है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे UPI इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे UPI जो है मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग में जाते हैं, तो नेट बैंकिंग में देखिए ये कैंसिल हो गया है। नेट बैंकिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे ऐड मनी करना है और आपको जस्ट यहाँ पे नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है देखिए लॉग इन यहाँ पे खुल गया। जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे मेरा OTP आएगा मेरे मोबाइल के ऊपर, OTP में डालने के वेरीफाई होने के बाद ही ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आपको अवेलेबल फंड दिखाई देगा। तो ये स्टार्टिंग है ये एप्लीकेशन में कि आपको फंड कैसे ऐड करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक इन न्यूज मतलब बेस्ट जो है कि अगर आपको स्टॉक चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऑल स्टॉक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप आपका मार्केट वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, आपके जो भी स्टॉक्स है आप वहाँ पे लगा सकते हो। आपको स्टॉक को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे फिल्टर पे जा सकते हो कि आपको
इंडेक्स देखने हैं तो इंडेक्स देखिए, तो यहाँ पे खाली आपको इंडेक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। इंडेक्स में निफ्टी 50 के स्टॉक देखना है तो अप्लाई करेंगे। ये निफ्टी 50 के स्टॉक टोटल 50 स्टॉक आ गए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दूसरा कोई फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ पे इंडेक्स में जाके बैंक निफ्टी के स्टॉक, सेंसेक्स के 30 स्टॉक यहाँ पे लगा सकते हो, इसको आप डिसेबल कर सकते हो, इसे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सेंसेक्स के 30 स्टॉक आएंगे, तो ये आपके चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो, आपको जो स्टॉक चाहिए उस हिसाब से। तो ये ऑल स्टॉक्स में ये फिल्टरेशन अवेलेबल है और ये बेस्ट तरीका है। आप जब कोई स्टॉक फिल्टर करते हो तो सेक्टर वाइज फिल्टर करेंगे तो आपको काफी इजी तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो क्लोज प्राइस वाइज जो है कि आपको किस प्राइस रेंज में स्टॉक मार्केट में शेयर चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमेशा हम कम भाव वाले रेट देखते हैं कि जैसे 50 से 100 रुपए के बीच में या 100 से 200 रुपए के बीच में इसमें रेट हो। तो यहाँ पे मैं रेट भी चेंज कर सकता हूँ, तो 100-200 के रेंज में जितने सारे स्टॉक है वो एक साथ आ जाएंगे। ये सारे फिल्ट्रेशन दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, सेक्टर के हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस है जैसे मैंने अभी कहा उस तरीके से, एक काफी बेहतरीन इन्होंने दिया हुआ है कि आपके चॉइस के हिसाब से आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। जो जरूरी नहीं है वो वहां पे फिल्टर करके वो डेटा आप हटा स्किप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मार्केट न्यूज में। यस, मार्केट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है ये काफी हद तक मतलब न्यूज की वजह से इम्पैक्ट होता है। तो अगर जैसे आज ये जैसे वीडियो बन रहा है 22 जुलाई को, तो आज हिंदुस्तान लीवर के रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर आज 2.33% से डाउन है ये आया हुआ है। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स इसकी मिलती है। ओके, जैसे इसमें आपको ये चार्ट ऑप्शन मिल गया, आप 5 साल का चार्ट एक साथ देख सकते हो, आपको ओवरऑल भी पता चलेगा, ठीक है। आपको फंडामेंटल्स दिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारे वीडियोस हमारी मिल जाएगी इसके ऊपर आपको, क्योंकि फंडामेंटल कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। ये फाइनेंशियल्स के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, और उसके पीयर्स मतलब कॉम्पिटिटर जो अलग कंपनीज है वो सिमिलर स्टॉक कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से शेयर्स है जो हिंदुस्तान लीवर के साथ मतलब सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे ज्योति लैब, डाबर इंडिया, गोदरेज, मैरिको, इस तरीके से। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज कि कौन से म्यूचुअल फंड इसमें कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करेंगे तो 14% का टोटल मतलब टोटल एएम का 14% इन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। ओके, और सुंदरम रूरल ने यहाँ पे 6% का। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि म्यूचुअल फंड भी इसमें निवेश कर रहा है, तो बट ऑब्वियस तो फिर ये वैल्यू एडिशन ही होगा आपके लिए और वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा। इस तरीके से यार दोस्तों आपको ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। या बॉटम में जो भी आप लास्ट कोई भी व्यू देखते हो तो आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये हो गया स्टॉक्स के बारे में, न्यूज के बारे में आप कोई भी न्यूज देख सकते हो इसमें। ये सबसे बेहतरीन इन्होंने दिया हुआ है कि आपको इंस्टेंटली सारी चीजें मिल जाती है और ये अपडेट होती रहती है। अगर आप मार्केट न्यूज पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि लेटेस्ट वाला डेटा आपको मिलता रहेगा, हाफ एन आवर, 2 आवर्स के बाद पहले आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम वाइज दिया हुआ है, ठीक है। 2 आवर्स के पे 3 आवर्स वाला न्यूज है, मैग्मा फिनकॉर्प, रिडीम पूना वाला फिनकॉर्प। तो ये मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूज, तो आपको पैसा बनाने के लिए जरूरी है ही कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आईपीओ वाला सेशन, यस डेफिनेटली हम नए जो शेयर्स आते हैं उसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आप अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग उसमें करते हो। तो यहाँ पे देखिए अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, इसमें प्राइस रेंज भी दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ओपन नाउ, नो ओपन आईपीओ, कीप चेकिंग द स्पेस फॉर अपडेट्स। अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है, कोई अभी तक ऑफर अपना नहीं चल रहा, ठीक है। बाकी ये सभी आने वाले हैं, ठीक है। ग्लेनमार्क, LIC वगैरह ये सब आने वाले हैं, ठीक है। श्रीराम प्रॉपर्टी, दादर हाउसिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज आपको बताएगी, आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब आप इसमें मैनेज करोगे आपका फंड, तो आपको पता चलेगा कि चलो भाई ये फंड आईपीओ आने वाला है तो मुझे ये पैसा काम में आ सकता है, इस तरीके से। उसके बाद तो मार्केट में आज क्या हलचल हुई वो अगर देखना है तो आपको यहाँ पे टॉप गेनर्स पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। टॉप लूजर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको
आज का लूजिंग वाला काउंटर भी पता चल जाएगा। वॉचलिस्ट यहाँ पे है, तो अगर व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे वॉचलिस्ट आप जो है बना भी सकते हो, ठीक है। ऐड स्टॉक टू वॉचलिस्ट, आप इसमें स्टॉक भी ऐड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की वॉचलिस्ट आप बना सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर वाला ऑप्शन दिया गया है, ये काफी हेल्पफुल आपको होगा कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों की पॉपुलर फंड कौन सा चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके फिल्टरेशन, जैसे कि हाई रिटर्न वाला कौन सा है, टैक्स सेविंग वाला कौन सा है, एफडी से बेटर कौन सा है, एसआईपी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, टॉप कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड कौन से है, सेक्टर बिट्स कौन सा है। तो इस तरीके से काफी वैल्यू एडिशन आपको इसमें होगी और आपका समय बचेगा, ठीक है। तो ये काफी हद तक, क्योंकि इसके ऊपर भी वीडियोज है मेरे पास जो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे निवेश कर सकते हो बाय यूजिंग द ग्रो ऐप। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो आता है, यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड का अलग तीन यहाँ पे ऑप्शन है, एक है इक्विटीज, एक है म्यूचुअल फंड्स और एक है गोल्ड, ठीक है। तो अभी हम म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे। यहाँ तक तो आपको अभी आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है। इसमें मिलता है स्टॉक्स मिलते हैं, स्टॉक की न्यूज मिलती है, आईपीओ आने वाले कौन से वो मिलते हैं, और हम हमारे पर्सनल जो पोर्टफोलियो जो या कोई स्टॉक जो हम ट्रैक करते हैं वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड ट्रैकर बनाना चाहते हो, तो ये आपको काम में आएगा। यहाँ पे आप आपकी वॉचलिस्ट बना सकते हो, ओके, क्रिएट वॉचलिस्ट पे जाके यहाँ पे म्यूचुअल फंड की आप वॉचलिस्ट बना सकते हो। जैसे मेरा ये वाला हो गया, ठीक है, ये ऐड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके आदित्य बिरला ऐड कर देते हैं, कोटक और एक्सिस। तो यहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो पता चल जाता है कि अभी ये इसमें कितना चेंजेस आया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान है, ठीक है। तो ये आपके चॉइस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप हाइब्रिड में जाना चाहते हो, बैलेंस में जाना चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने 3 सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है, उसका भी फिल्टरेशन आपको यहाँ पे मिलता है कि अगर आपको चूज करना है कौन से स्टॉक में, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ऑल म्यूचुअल फंड करेंगे तो सारे म्यूचुअल फंड इसमें आ जाएंगे, इसमें 3 साल के रिटर्न। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो, इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है कि रेटिंग के हिसाब से आपने इसको कर लिया, 5 स्टार वाला मुझे चाहिए, जिसको 5 स्टार है वही मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ AUM, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, अलग अलग, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग। तो फिल्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेटिंग के बाद आता है अपना AMC वाइज, ये सबसे बड़ा AMC वाला कौन सा है, जैसे HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, तो HDFC म्यूचुअल फंड में मैं ही डालूंगा। तो HDFC के ही म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको डायरेक्ट लोन डेट वाला, ठीक है, इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स आएंगे। तो इस तरीके से ये आपको ये पोर्टफोलियो हेल्प करेगा दोस्तों। थर्ड आता है गोल्ड ऑप्शन। तो गोल्ड ऑप्शन ये मतलब बहुत हेल्पफुल आपको होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले आप गोल्ड बाय करने के बाद आपको जो मतलब अगर आप बाहर जाते हो फिजिकल लेने के लिए, तो आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे कोई मेकिंग चार्जेस आपको नहीं लगता है, इतना ध्यान रखिए, GST इसके ऊपर लगता है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपके प्राइस के हिसाब से आप गोल्ड बाय कर सकते हो। मतलब अगर मुझे गोल्ड बाय करना है तो मुझे यहाँ पे ग्राम में बाय करने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए तो मैं 10 रुपए का भी गोल्ड इसमें ले सकता हूँ। तो इस तरीके से ये बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। जैसे कि ट्राई करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 4939 अभी पर ग्राम का रेट चालू है। अगर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट पे आपको यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट का बॉटम में एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए 1000 रुपये से स्टार्ट है, ग्राम के हिसाब से भी ले सकते हो, देखिए 0.5 ग्राम का भी आप ले सकते हो 2000 का, ओके। तो बस आपको पे कर देना है। अगर आपको कम ग्राम लेना है, 0.5 ग्राम से भी कम लेना है, तो 0.25 ग्राम लेना है तो भी आप ले सकते हो, 0.10 ग्राम का लेना है तो भी आप 500 का ले सकते हो। तो पे करेंगे तो सीधा आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बताना ये है कि डिजिटल गोल्ड है, इसको फिजिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हो,
और सेफ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस और जो है 3% जीएसटी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जीएसटी भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, और बाकी कोई टैक्सेस इसमें है नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एप्लीकेशन काफी हेल्पफुल आपको होगा। इसके जितने सारे फंक्शंस है, ये अलग अलग वीडियोज मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। ओके, तो आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वो भी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।